गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। मैं हर मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, अगर कोई मेडिसिन के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखने वाले हो, अगर मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। इसका डोजेस क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, किस कंडीशन पर हम इस दवाई को ले सकते हैं या आप भी ले सकते हैं घर पर बैठ के, तो फुल रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो पर। आप लोगों को लास्ट तक बने रहना। और एक बात, अगर मेरा चैनल पर आप नया है तो एक सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे हाथ पर एक इपकेयर सिरप जो होता है, इपकेयर सिरप है, इसका प्राइस लगभग 130 रुपीस है, ठीक है। कहीं भी मेडिसिन स्टोर पर आप लोगों को इस दवाई को मिल जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट बहुत होता है, इसका रिजल्ट बहुत आता है। किस कंडीशन पर दिया जाता है हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन स्टोर पर आप लोगों को इस दवाई को मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस लगभग 130 रुपीस है, ठीक है। ये 200 ml की बोतल होता है, इसको आप टेबलेट भी ले सकते हैं या सिरप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे किस कंडीशन पर आप ले सकते हैं घर पर बैठ के। तो पहला बात आता है, मान लिया आप एक शादी किया है तो 2 साल हो गया या 3 साल हो गया, आपका बीबी जो होता है, आपका बीबी या आपका वाइफ जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, प्रेग्नेंट की समस्या बहुत हो रहा है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट नहीं होने के बारे में इस दवाई को आप ले सकते हैं घर पे बैठकर, ठीक है। दूसरी बारी आती है, अगर आपका फैमिली में कोई एक लड़की है जो उसका पेट्स का जो समस्या होता है, जो मींस का जो समस्या होता है, मान लिया एक महीना हुआ है, दूसरे महीना एक दो दिन तीन दिन चार दिन जो ऐसा लेट होता है, उसका पेट में बहुत दर्द होता है, उसका अच्छी तरह से ब्लीडिंग नहीं होता है, एक दो दिन उल्टा पलटा हो जाता है, इस कंडीशन पर आप इस दवाई को ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये जो दवाई होता है इपकेयर, ये बहुत कंडीशन पर दे जाती है, बहुत महिलाओं के बारे में दे जाती है। तो बात करेंगे हम इसका डोजेस की, ठीक है। तो देखिए, इसका डोजेस की बात करें तो 5 ml दवाई लेना है और 5 ml पानी लेना है आपको, ठीक है। सुबह और शाम खाने के बाद ही लेना होगा इस दवाई को, ठीक है। तो इस कब तक आपको जो इपकेयर दवाई है कब तक लेना है, अगर आपका प्रेग्नेंट की बारी आती है तो मान लिया आपका बीबी एक प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है, इस कंडीशन पर आप लगभग इसको 3 महीना तक आपको यूज़ करना पड़ेगा इस इपकेयर दवाई को, ठीक है। 3 महीना के बाद जो आपका जो बीबी का प्रेग्नेंट 100% प्रेग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने तक आप लोगों को इस दवाई को पीना होगा या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मींस की प्रॉब्लम की बात करें तो लगभग इसको 1 महीने तक यूज़ करने के बाद ही ये जो होता है आपका जो मींस अच्छी तरह नहीं होता, एक दो दिन ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो 3 महीने तक नहीं लेना होगा, 1 महीने तक लेने से आपका जो वो समस्या है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बात करेंगे हम इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, एक जो दवाई है, एक हिमालय दवाई है, एक आयुर्वेदिक दवाई है, ठीक है, इसका तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो आप बिना टेंशन के, बिना आप घर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज तक यहाँ तक ख़त्म, अगला वीडियो पे कोई नए टॉपिक पर बात करने वाला हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।